कबीर कवि परिचय। कबीर का जन्म बनारस में संवत 1455 ईस्वी में माना जाता है। नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति ने इन्हें बनारस के लहरतारा तालाब के किनारे पाया था। कबीर की मृत्यु संवत 1575 में मगहर नामक स्थान पर मानी जाती है। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञानशयी शाखा के कवि माने जाते हैं। उनकी प्रामाणिक कृति बीजक है, इसमें साखी सबद और रमणी छंदा धारित तीन भाग हैं। कबीर को समाज सुधारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनकी कविता में समाज की चिंता का स्वर प्रमुख है। समाज में व्याप्त वैषम्य अंधविश्वास और उसकी प्रवृत्तियों पर उन्होंने व्यंग्य का प्रहार किया। वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान को साधन मानते हैं। वे योग साधना के गूढ़ रहस्य को भी अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। वे निराकार ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान मार्ग इंद्रिय नियम तथा योग साधना को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रेम की उदात्त अनुभूति भी उनके काव्य में प्राप्त होती है। नाम महिमा गुरु का महत्व सदाचार आदि विषयों पर केंद्रित रचनाएं कबीर के काव्य को संत काव्य की व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। कबीर के काव्य में यद्यपि अभिव्यक्ति की सहजता है, किंतु उनका काव्य साहित्य सौंदर्य से भी अनुप्राणित है। उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। उनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द आ गए हैं। उनके प्रतीक रूपक तथा अन्योक्तियां काव्य साहित्य की धरोहर हैं।